लोगों का स्वागत है आज का आपका अपने इंडेक्स क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी जेसीसी का पेपर हो रहा है उसको लेकर रिव्यू के लिए हम लोग जगह जगह पे जाते हैं और उसके अनुसार बहुत सारे बच्चों को हमारे चैनल के थ्रू क्या होता है मदद मिल जाता है। तो आज हम लोग रामटहल चौधरी एक इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं जहाँ पे हम लोग पेपर रिव्यू लेंगे। ठीक है, तो आज का पेपर पूछते भैया जी से कैसा पेपर गया, कैसे गया पेपर? अच्छा गया है, देखो अब रिजल्ट आने के बाद इसलिए इस बार तो हमको लगा पेपर किस टाइप का, मतलब इजी दे रहा है या थोड़ा हार्ड भी दे रहा है? नहीं, नहीं, मतलब बेसिक अगर बंदा कर ले रहा तो उसको कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पेपर था वो इजी टू मॉडरेट का, ये मॉडरेट टू हार्ड। आपके लिए कौन सा पेपर आसान लगा, पेपर वन या पेपर टू? पेपर वन बहुत आसान लगा। जो हल्का से पड़ेगा तो भी 14 का देगा। और मतलब पेपर टू में कैसा क्वेश्चन था, हल्का से ज्यादा फंसा गया? पेपर टू में ज्यादा नहीं था, इंजीनियरिंग लेवल का था, इंजीनियरिंग का था, सिविल का अच्छा दिक्कत डाला था, जो छोटी छोटी बातें जो सब कुछ छोड़ के वही सब कुछ। और ये जो आपका जनरल का पेपर होता है उसमें कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन इस बार फंसा देते हैं, तो इससे पहले जो क्वेश्चन दे रहे थे काफी आसान था। इधर आइए, इधर आइए। जो उसमें 40 नंबर का जीएस था वो तो बहुत मतलब हम कहना चाहते हैं कि आने वाले जिसका भी एग्जाम है उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, कैसी तैयारी करनी चाहिए दोनों पेपर के? जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए, क्योंकि पेपर में क्या देगा क्या नहीं आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे, इसीलिए अपने बस अपने जितना पढ़े उतना। मतलब भैया जी का कहना है कि मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं बस उसी चीज को अपना कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहिए, किसी और चीज को नहीं अभी पर छेड़ना है। चलिए ठीक है भैया, आपको बहुत बहुत एमजेड क्लासेस। अरे महादेव श्रीमान, बस दो मिनट करना है बस। तो कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया। टेक्निकल पेपर कैसा गया था? अच्छा, टेक्निकल में कहाँ से आपको ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है? इक्वलिटी पूछ रहा। अच्छा, आप कुछ इरीगेशन के कुछ पेपर का कुछ ऐसा टॉपिक जो आपको याद है वहाँ पे लगा होगा कि ये बंदा से पूछ रहे हैं, और आपके पास यहाँ पे उसके बाद पब्लिक थ्योरी वगैरह से या आपके पास क्या बोलते हैं ट्रिजल वगैरह पूछ रहा है? अच्छा, लेसी थ्योरी थी क्या? नहीं था, उससे नहीं क्वेश्चन था। मतलब आपको कहाँ से देखने को मिला जाता था क्वेश्चन? सबसे इक्वली है। और उधर जनरल पेपर कैसा था? इलेक्ट्रिकल था, फंसा था, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन था या तो आपको कैसा लगा आपको पेपर देख के? अच्छा लगा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और किन्हीं भाई सब लोग पूछते हैं पेपर सर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि नहीं और को आते हुए अगर उनसे बात करते हैं हम लोग। साम पास 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 लोग बता रहे हैं, दोस्त लोग बता रहे हैं, जो इंजीनियर लोग बता रहे हैं कि पेपर काफी अच्छा दिख रहा है, अच्छा आ रहा है, बस खाली आप लोगों को क्या करना तैयारी करनी है। कैसा क्या आपका पेपर? यहां थोड़ा सा अर्जेंसी है। अच्छा अच्छा 11 तारीख से की करूंगा रात से। हाँ बस भैया अभी थोड़ा एक मिनट रिव्यू दे देते हैं। चलिए चलिए भैया, पहले नाम बताइएगा कहाँ से आए हैं। हाँ हाँ, नाम मेरा हुआ गुलशन कुमार सिंह। हाँ, और क्या पूछना है? आए कहाँ? हम आए हैं जयपुर से, राजस्थान। जी जी, अरे हमारा बिहार, बट एट दैट टाइम आई एम लिविंग इन राजस्थान। ओ, फॉर वर्किंग? यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए फॉर काइंड अटेंशन प्लीज, ना कैमरामैन फोकस करो कि भैया जी आए हैं एज ए वर्क करते हैं जॉब जो भी काम जयपुर राजस्थान में, लेकिन आए एग्जाम के देने के लिए है प्रॉपर बिहार। यानी इतिहास गवाह है कि जब जब सरकारी एग्जाम निकला है बिहार वाले अगर गल्फ में जाएंगे तो बिल्कुल बिहार से ही है। अगर आप 40 डिग्री टेम्परेचर में भी उठा कर देख लो 50 डिग्री या 60 डिग्री, दूसरा कोई वैसा बच्चा नहीं है जिसको इतना हिम्मत है कि वो मेहनत से पढ़ सके। लेकिन बिहार के लोगों को आप देख लो, कितना भी टेम्परेचर हो कैसा भी कष्ट हो, लेकिन उसके लिए सरकारी नौकरी सब कुछ होता है, उसके लिए दूरी महत्व नहीं रखता। नतीजा भी होता है कि हर एक जो भी
बिल्कुल कहते हैं कि संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। संघर्षों के साये से इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। पेपर बहुत ही सिंपल था, जिन्होंने भी थ्योरेटिकल, जिनको बेसिक आइडिया है वो बहुत अच्छे से पेपर को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जिनको बेसिक आइडिया नहीं है, चाहे वो रटाफिकेशन करके आए हैं, उनको पेपर में बहुत सारा दिक्कत है। मीन्स कल जो ऐसा हम रिव्यू लिए थे, एवरीवन मतलब क्या कर रहा था इस पेपर रिव्यू में, जो अगर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करते हैं या तो फिर बहुत सारे बुक से उनको इश्यू आ सकते हैं। जी बिल्कुल, बेसिक आइडिया, पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट होने चाहिए, सारे सिलेबस को जिन्होंने पढ़ लिया है, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो सिलेबस में अगर आपकी कमी है तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर आपने सारे सिलेबस को कंप्लीट किया है तो आपको कहीं ना कहीं मतलब कौन सा पेपर अच्छा लगा, इरिगेशन, हाईवे, जो सभी टॉपिक बहुत अच्छे थे, लेकिन सॉइल मैकेनिक्स उसमें बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स अच्छा क्वेश्चन था जी। और जो जनरल पेपर होता है झारखंड का, जीके में कोई इशू प्रॉब्लम, वो तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आया था, बट एक से दो क्वेश्चन होने के कारण, लेकिन कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये कंप्यूटर का बेसिक है, तो कंप्यूटर का बेसिक था, मतलब मेनली बेसिक्स पर फोकस किया जा रहा है, बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत ज़्यादा वक्त दिए, क्योंकि इनको जाना भी है, तो बहुत ओके थैंक यू। काइंड यार, कैमरा मैन फोकस करो यार, पहले नाम बताओ, आप ही बताइए। तो निशांत कुमार जी, पहले बताए आए कहाँ से? मतलब ब्रांच पेपर जो भी आप पढ़े थे, बेसिक एकदम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो हाई लेवल पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, एकदम बेसिक स्ट्रक्चर जैसे होता है। अभी तो आप बोलते हो जनरल में, जनरल बहुत अच्छा था, जनरल पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत इजी, बहुत इजी, सेकंड वाला थोड़ा सा टफ था, लेकिन वो भी बेसिक। क्या होप कर सकते हैं आप रिजल्ट? रिजल्ट का होप यही है कि देखिए, कट ऑफ अगर नॉर्मल रहा, क्योंकि हम आउट ऑफ झारखंड है, तो कट ऑफ अगर नॉर्मल रहा तो फिर होगा 60-40 है यहाँ पे हमारे झारखंड में, 40 अदर 60 अंदर, तो अगर 40 में अगर आए तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए कोई दिक्कत नहीं। हम तो सबको यही दुआ करते हैं कि रिजल्ट अच्छा हो, अगर सभी को प्रे करेंगे कि आप कभी निकले आप कभी नहीं, तो अनुता जी ठीक है, तो आप भी देते भैया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए स्टेशन जहाँ भी जाना है ऑटो मिल, कौन सा स्टेशन MZ क्लास है, MZ वहाँ पे रिव्यू आ जाएगा, प्लीज सर्च कर लीजिएगा, अभी भी ऑटो में